नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के जिला मुख्यालय पर आज शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर डीसी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पटवार भवन में शहीदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। डीसी नरसिंह सिंह बराड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों के अलावा जिले में अनेक लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को शाल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीसी ने कहा कि आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं तो हमारे शहीदों की बदौलत, चाहे देश को आज़ाद करवाने में अपना बलिदान देने वाले अमीर शहीद हों या फिर देश की सीमाओं पर अपना खून बहाकर मातृभूमि की रक्षा करने वाले अमर जवान, इन शहीदों ने अपना सब कुछ देश और मातृभूमि को अर्पित कर देश के नागरिकों को सम्मान में जीने का हक दिलाया। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उन अमर शहीदों को बताएं, मार्ग पर चलें और देश की आन और बान शान बनाए रखें। पल पल फतेहाबाद से राजेश महाबू की विशेष रिपोर्ट। आज 23 सितंबर है और शहीदी दिवस हमारे जिले में मनाया गया है। इसमें शहीदों के परिवारों को बुलाया गया है और उनके साथ आज बातचीत की गई है और उनको सम्मान उनका किया गया है, और इस बहाने उनसे मिलने का एक अवसर मिल जाता है एक्सक्लूसिवली। और ये एक ऐसा अवसर भी होता है जब हमें अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और ज़्यादा हमें सजग और सचेत बनाता है। तो आज सभी आए हुए थे, उनसे वन टू वन एक इंटरेक्शन सा भी रहा और बच्चों ने कार्यक्रम भी अच्छे से सीख किए। उन्होंने कविता सुनाई, एक बच्चे ने अपने विचार भी व्यक्त किए, तो बहुत ही प्रभावी थे। तो आज इस शहीदी दिवस पर मैं अपने फतेहाबाद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं ये भी आशा करता हूँ कि अपने शहीदों के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर हमें अपने भाईचारे को बनाकर रखते हुए और अपनी जो मातृभूमि जिसको उन्होंने अंग्रेज़ों के जंजाल से छुटवाया था, उनकी गुलामी से जो छुटकारा दिलाया था, उसको जो राम राज्य की हमारी सोच रही है, हमारे विचारकों की, हमारे बुजुर्गों की, उसकी ओर हम लेके जाएंगे। तो आज इसी दौरान सभी परिवारों से एक मिलने का अवसर मिला। थैंक यू सर। थैंक यू।